हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में अभी जो एक खबर आई हुई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कल आपको बताया था कि उनको मुंबई से गुजरात ले जाया गया है, अहमदाबाद में रखा गया था, उसके बाद उनको जूनागढ़ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जूनागढ़ जहां पर वो प्रोग्राम था, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने वो शेर पढ़े थे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट में भी फैसला होने वाला है, उनकी पेशगी होने वाली है, बकिया कोर्ट से अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या मामला है, क्यों आपने पढ़ा, वगैरह वगैरह। एक खबर जो सामने आई हुई है, सूफी खानकाह एसोसिएशन के तरफ से एक वीडियो रिलीज हुई है, एक ईमेल भी ये इस पेज में शाई किया गया है, इस पेज में डाला गया है, और गुजरात की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो चीफ मिनिस्टर है, उनको ईमेल किया गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल कर दिया जाए, उन्हें ना छोड़ा जाए और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, वगैरह वगैरह। क्या है सारी चीजें मैं आपको सुना देता हूँ, वो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, वाकई में आप सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट का फैसला कब आएगा और कब पेशगी होगी और क्या क्या मामला तभी हो रहे हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त कहाँ पर है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, पहले एक झलक वीडियो देख लीजिए। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से गज़वाए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आततायी तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और झालावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और गज़वाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को UAPA में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जाँच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसकी वीडियो को आपने देख लिया, वाकई में इसके एक एक अल्फाज से समझ में आता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से ये बंदा कितनी नफरत करता है। बहरहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी बताया जा रहा है कि जूनागढ़ पुलिस स्टेशन ही पर है और उनकी पेशगी अभी हुई है या नहीं हुई है, क्या मामलात हुए नहीं हुए, अभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। बस मैं आपसे यही कहूंगा
कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी रिहाई हो, वो बाइज्जत बरी हो, और दुआ कीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जो भी हो अच्छा हो। मुझे भरोसा है कि सरकार जो भी फैसला करेगी, गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी, इंशाल्लाह तबारक व तआला वो अच्छा ही करेगी। बाकी इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप चाहें तो कमेंट पर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लोगों में भी जरूर शेयर कर दें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हिफाजत के लिए दुआ जरूर करें।